नमस्कार आदाब। गांधी के रास्ता में आपका स्वागत है। आज बात तिरंगे के विवाद को लेकर, तिरंगे की अस्मिता को लेकर, इसी तिरंगे के नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अब इसी तिरंगे को लेकर बहुत राजनीति हो रही है। 26 जनवरी को जब किसान लाल किले में गए तो वो एक नया विवाद खड़ा हुआ कि तिरंगे का वहां अपमान हो गया, जबकि मैं वहां पे मौजूद था अपनी सहयोगी के साथ और वहां पे तमाम सारे वीडियो एविडेंस भी हैं कि तिरंगे को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, वहां पे निशान साहिब को जरूर फहराया कुछ लोगों ने, उसकी जांच हो रही है, पुलिस की जांच होगी, उस जांच में क्या निकलेगा वो जांच का विषय है। लेकिन इसी तिरंगे को लेकर जो है वो नेशनल फीलिंग हम हर इंसान, हर आम आदमी, हर आम भारतीय अपनी प्रकट करता है, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो, टेनिस का मैच हो, जब ओलंपिक में कोई मेडल आता है तो इसी तिरंगे को लोग फहराते हैं विदेशों में जो हमारे भारतीय हैं। लेकिन इसी तिरंगे को लेकर कुछ लोग, कुछ एक खास पार्टी के लोग बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में भी मार्च निकालते हैं, तब तिरंगा शर्मसार होता है और तब उसके राष्ट्रीय प्रतीक होने का जो सम्मान होना चाहिए उसमें कमी पहुंचती है, उसमें ठेस पहुंचती है। प्रोफेसर त्रिपाठी, थोड़ा सा इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग जाते हैं कि कैसे ये तिरंगे का जो एक नेशनल सिंबल के रूप में एसोसिएट हुआ है और अब वो किस तरीके के विवादों में, कभी हमने नहीं देखा कि तिरंगे को लेकर भी कोई विवाद होता हो, और ये कुछ खास किस्म के लोग जिन्होंने कभी आरएसएस की मैं बात कर रहा हूँ, आरएसएस ने दशकों तक अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं फहराया, ये विरोध करते रहे तिरंगे का और अभी इसी तिरंगे के नीचे वो मार्च निकालते हैं। जी 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 प्रोफेसर, ऐसा है कि अपने हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा की परंपरा है, भगवान राम की अपन मूर्ति रख के पूजा करते हैं, तो सिर्फ इसीलिए कि मूर्ति के जरिए अपन को भगवान का एक अक्ष समझ में आए और अपन मूर्ति से पीछे जाके असली भगवान का तस्वीर करें, उसके बारे में उससे अपन को जुड़े, तो असली चीज मूर्ति नहीं है, असली चीज है भगवान। उसी तरीके से तिरंगा एक प्रतीक है कि तिरंगा के जरिए हम हिंदुस्तान की जनता से अपने आप को एक जोड़ लें, जनता का तस्वीर करें, जनता का एहसास करें, उसके दुख दर्द उसकी बेहतरी का एहसास करें, जनता के एहसास को याद दिलाने के लिए एक चिन्ह है तिरंगा या कोई भी झंडा। झंडा की अपने आप में अहमियत नहीं है, झंडे के पीछे जो भावना है उसकी उसका उसकी कीमत है, उसके पीछे जो दर्शन है, उसके पीछे जो तस्वुर है, जो आपकी सोच है वो चीज है। दिक्कत ये हुई कि हिंदुस्तान के अगर हजारों साल की आप इतिहास को देखो तो झंडों की शक्लें बदलती रही हैं। 1857 में जब लक्ष्मीबाई ने अपनी शहादत दी या बहादुर जफर के बेटों ने अपनी शहादत दी तो उस वक्त तिरंगा नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम तो थे, तो जो भी झंडा हिंदुस्तान के आवाम का तस्वीर आपके जहन में लाए वही झंडा असली झंडा है। और दिक्कत ये हो गई है कि अभी लाल किले की जो आपने घटना सुनाई वहां पे निशान साहब का जिक्र किया, निशान साहब के भी दो रुख हैं। बिल्कुल, अगर कोई आदमी बिल्कुल भक्ति भावना में डूब के भगवान को याद करता है निशान साहब के जरिए तो बहुत पवित्र चीज है, लेकिन अगर वही आदमी झंडा लेके दूसरों के कत्ल करने पर अपना बड़प्पन जताने के लिए दूसरे कत्ल करने में आमादा होके झंडे को ले जाता है तो पाप है। भगवत झंडे का भी वही मसला है जी, श्री राम कहने का भी वही मतलब है। गुजरात में तमाम लोगों के कत्ल किए गए 2002 में और जय श्री राम कहा गया, मरते जिंदा जलाते वक्त लोगों से कहा गया कि बोलो जय श्री राम। जी जी, मेरे से तो एक आदमी ने सवाल ही पूछ दिया कि मुसलमान कितने कट्टर होते हैं कि जब उनको जलाया जा रहा तो कहा गया बोलो जय श्री राम तो जय पाकिस्तान बोले। मेरा कहना उससे यही था कि भाई वो जय श्री राम भगवान का नाम नहीं है, वो अपने अंदर छुपे हुए शैतान का नाम है जिसके नाम पे आपने कत्ल किया। राजनीतिक नारा है, राजनीतिक नारा है, वो राजनीतिक नारा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी लगा देते हैं, वो कभी भारत माता की जय बोल देते हैं, उस भारत माता की जय में भारत माता रत्ती भर नहीं है, शैतानियत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तिरंगे के नाम पर
जिस किसान के ऊपर आप जलालत फेंक रहे हैं, आप जरा 26 जनवरी की घटना देखिए। 26 जनवरी को दिल्ली में कम 5 लाख किसानों ने मार्च किया जी। और मैं शरीक हुआ 3 घंटे उनके साथ चला भी, आप भी गए, बिल्कुल आप भी थे वहां पे बॉर्डर पे। हाँ जी, उन किसानों ने रत्ती भर किसी के साथ बदसलूकी नहीं की, दुर्भावना नहीं रखी, बुरा बोले नहीं। मैं समझता हूं कि गांधी की याद दिलाने वाला अहिंसक मार्च था। अब क्या हुआ कि इन्हीं को जलील करने के लिए, इन्हीं को आतंकी बताने के लिए आपने एक ऐसा इमेजिनरी खाका खींचा, गया साहब इन तिरंगे का अपमान कर दिया। तिरंगा जो लाल किले पे फहर रहा है वो तो अपनी बुलंदी पे फहर ही रहा है, उसको किसी ने छुआ तक जी जी। उसके बगल में किसी ने एक तिरंगा लगा दिया, एक निशान लगा दिया। अरे भाई, जिन लोगों ने लगाए उन लोगों को समझो, वो है कौन? वो किसान तबके के लोग हैं। हो सकता है कुछ शैतानों ने लगा दिया हो, क्योंकि किसानों में कुछ शैतान भी घुस गए, बिल्कुल, तो उसके पड़ताल कर लो। लेकिन जो किसानों का 5 लाख का समूह है, वो एक एक आदमी तिरंगे को रिप्रेजेंट करता है, उसमें हिंदुस्तान बोलता है। तिरंगा दरअसल इन्हीं 5 लाख किसानों और इसी तरीके के करोड़ों जो देश में किसान मजदूर है उन्हीं को तो रिप्रेजेंट करता है आप। यानी उस तिरंगे की आड़ में असली भगवान का अपमान कर रहे हो, ये क्या बात हो गई? मैं समझता हूँ कि ये सरकार की और मीडिया की दुर्भावना है, जिसकी वजह से हम असली तिरंगा को, जो एक एक किसान तिरंगा है, जो हमारे मुल्क का एक एक मजदूर तिरंगा है, उसको हम भूल गए और कागज के कपड़े के तिरंगे का बहाना बना के, वो भी फरेबी बहाना बना के उनको जलील कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत गलत है जी। प्रोफेसर अश्विन, हम लोग तो मौजूद थे, प्रोफेसर त्रिपाठी भी थे किसानों के मार्च में। मैं लाल किले पर ट्रैक्टर में बैठकर पहुंचा था बॉर्डर से वहां। अच्छा, और अच्छा। मैंने तो नहीं देखा वहां पे कि किसी ने तिरंगे का अपमान किया हो, लेकिन बराबर निशान साहब जरूर वहां लगाया कुछ लोगों ने। मैं वहां से काफी दूरी पे था, तो कौन था मैं उसको देख नहीं सकता था। राइट। लेकिन ये जो एक राजनीति हो रही है झंडे को लेकर, और ऐसे लोग, यही किसान जब गांधी जी के पीछे दांडी यात्रा में था तो पीछे किसान तो ही था। हम तस्वीरों, पुराने वीडियो या डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो यही किसान था। और उसी वक्त जो आज तिरंगे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो अंग्रेजों से माफिया मांग रहे थे। आप इसको दूर से बैठ के कैसे देखते हैं? हाँ, आप दोनों तो वहां खुद हाजिर थे, मैं तो नहीं था, मैंने तो सिर्फ वीडियो देखे हैं। जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात तो ठीक और सच भी है कि तिरंगा का अपमान कहीं भी नहीं हुआ, किसानों ने नहीं किया। और जैसे आप दोनों उसमें शामिल थे तो आप दोनों कहते हैं तो वो अहिंसक मार्च था, वो भी सही है, बिल्कुल। और ये भी बात ठीक है कि जो वीडियो दिखाए गए कि कुछ हिंसा ने शेप लिया था, तो वो गोदी मीडिया का वो प्रचार था, बिल्कुल। हम ये समझते हैं कि जैसे आप समझिए कि कहीं भी किसी भी फंक्शन में जब वो कंक्लूड होता है तो भारत माता की जय बुलाता है, मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि भारत माता वैसे कोई देवी नहीं है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। 1955 में अपने जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, वो कहीं पंजाब से आ रहे थे जी। रास्ते में तो कई लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने बताया कि आप हमें कुछ सुनाइए। तो पंडित जी रुके और उसने कुछ छोटा सा संभाषण भी दिया जी। फिर बाद में लोग बोले भारत माता की जय। तो पंडित जी ने बोला आप क्या क्या समझते हैं भारत माता की जय से जी? भारत माता कुछ देवी नहीं है। भारत माता का मतलब है कि हम सब, हम अपने जो भारत की आबादी है, अपने जो नदियां है, सरोवर है, पहाड़ों है जी, अपने जो मैदान है, ये सब भारत माता है, उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम से गले लगने चाहिए, ये भारत माता का प्रतीक है। बिल्कुल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पहला चैप्टर यही है। अच्छा। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो पंडित नेहरू ने लिखा उसका पहला चैप्टर यही है कि हु इज भारत माता, हु इज भारत माता। तो मैं ये राजनीति के पीछे ये देखता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन, अपने जो संविधान पर मैं ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन अवर कंट्री। अपने देश में रूल ऑफ लॉ की कोई इज्जत नहीं करते, इंक्लूडिंग अवर गवर्नमेंट। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो शैतानी लोग है, शरारती लोग है,
वो भी जनरल लेकर निकल जाते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ हमारे देश में एनफोर्स होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसे लोगों की, वो अपने जैसे आपने बताया कि आथरस के बाद बलात्कारी के समर्थन में भी कुछ लोग झंडे लेकर जुलूस निकाले थे, तो उस लोगों की हिम्मत नहीं होती क्योंकि देयर इज नो फियर ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ये संविधान का जो फर्स्ट एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ, उसका एनफोर्समेंट पूरी कड़काई से होना चाहिए। इसकी अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब मेरे ख्याल से चलता ही रहेगा। ये राजनीति किसानों को जलील करने के लिए है, ये तो वेरी क्लियर है। बिल्कुल, और ये तिरंगे का समझते, हाँ तिरंगे का केवल जैसा आपने बताया, तिरंगे का महत्व केवल एक कपड़ा नहीं है तीन रंग का या उसके बीच में चक्र है, वो केवल तिरंगा नहीं है। तिरंगा जो है वो केवल एक पूरी एक समग्रता में वो भारत के संविधान का प्रतीक है। और भारत के संविधान का प्रतीक होने का मतलब है कि लोकतांत्रिक संविधान, सेकुलर समाजवादी लोकतांत्रिक भारत। मैं बुधवार को एक प्रोटेस्ट में शामिल हुआ जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, किसानों के पक्ष में वो निकाल रहे थे। वहां पे प्रोटेस्ट निकलने से पहले ही 144 लगा दी गई बड़े पैमाने पर फोर्स। वहां कौन लोग थे, पत्रकार थे, कोई रंगकर्मी था, कोई लेखक थे, कोई प्रोफेसर थे, टीचर लोग थे, शिक्षक थे, यही लोग थे। इनको रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस, और आगे जाने नहीं दिया। तो आप इस तिरंगे की बात क्या करेंगे जब आप उस तिरंगे के पीछे की जो भावना है संवैधानिक लोकतंत्र है उसको ही नहीं मान रहे। आप रोज पत्रकारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, पत्रकारों के खिलाफ जो है वो मुकदमे, फर्जी मुकदमे, सेडिशन लगाए जा रहे हैं, सेंसरशिप हो रही है। ट्विटर को आप कह रहे हो कि अकाउंट ब्लॉक करो। प्रोफेसर त्रिपाठी ये तो तिरंगे का तिरस्कार तो रोज ये सरकार कर रही है। जी जी जी, इनको तो नैतिक अधिकार नहीं तिरंगे के आसपास भी फटकने का। बिल्कुल सही है। एक बात और देखें, तिरंगा कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक पूरे मुल्क का एक तस्वीर पेश करता है जी, जिसमें जाति धर्म वगैरह का कोई फर्क नहीं, हर इंसान का उसमें वजूद, उसकी एग्जिस्टेंस उसमें है। लेकिन पिछले सालों में जो चीजें हुई कि कश्मीर के अवाम के प्रति पूरे देश के अवाम में दुर्भावना पैदा कर दी, जुनून पैदा कर दिया गया। फिर पिछले साल सीएए लाया गया तो उन्होंने कहा कि एक धर्म खास जिसकी आबादी हमारे मुल्क में लगभग 20 करोड़ लोग हैं, उनको कह दिया कि नहीं, उस धर्म वालों के लिए अगर बाहर से आए हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो उनके लिए हम घुसपैठिया कहेंगे, बाकी के लिए हम शरणार्थी कहेंगे। आपने वहां फर्क किया, ना केवल बाहर से आने वालों के प्रति बल्कि दुर्भावना हिंदुस्तान में बसने वाले अवाम के प्रति पैदा की गई। ये खांचा जो कागज पे तो ये कि भाई जो आएगा खांचे करेंगे, जो गलत था, लेकिन उसकी आड़ में जो दुर्भावना पैदा की गई देश में वो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के प्रति पैदा की गई। तिरंगे में मुसलमान शामिल है उतनी ही शिद्दत के साथ जितना कि हिंदू है, हर भारतीय शामिल है, सब आदमी शरीक, लड़कियां लड़के सब। तो लेकिन ये इसलिए मैं कहता हूं कि भेदभाव का कोई भी एक्ट या कानून या एक्शन हिंदुस्तान के झंडे का अपमान है, हिंदुस्तान की जड़ों को काटने के बराबर है। इसलिए एक तो ये, दूसरी बात मुझे ये और कहनी थी कि पिछले दिनों कुछ साल गुजर गए, तो गुजर गए वो हमारे बहुत बड़े एक वो थे पेंटर, क्या नाम था उनका, एम एफ हुसैन साहब। उन्होंने सरस्वती की एक कोई तस्वीर बना दी, लोगों को पसंद नहीं आई। उसमें दिखाया ये था उन्होंने कि हमारे मुल्क की जो लड़कियां हैं जो पढ़ने जाती हैं उनके ऊपर उनकी हालत, उनकी लाज नहीं बची, पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं है उनकी। तो सरस्वती मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिया प्रतीक है, वुमेन प्रतीक है जी। तो आपने उसके बारे में अगर किसी आदमी ने कुछ बात रखी तो आपने उसके पीछे पड़ गए। यानी ये जो जुनून पैदा हुआ है मूर्तियों के बारे में, झंडे के बारे में, ये उन लोगों में पैदा हुआ है जो हिंदुस्तान की आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते, हिंदुस्तान की जनता को स्वीकार नहीं करते, उनके वजूद को, उनकी आजादी को, उनकी अस्मिता को कबूल ही नहीं करते। दरअसल सबसे घटक कड़ा प्रहार तो उनके ऊपर ये कर रहे हैं
मैं समझता हूँ कि अपन को इस बारे में अपने दिमाग को साफ करने की और हिम्मत से इनका प्रतिकार करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब प्रोफेसर अश्विन, आप तो क्योंकि लॉ कॉलेज से जुड़े हुए हैं बरसों से, और फ्लैग कोर्ट भी है, और उस फ्लैग कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के हर नागरिक को झंडा अपने घर में दफ्तर में फहराने का अधिकार है। पहले ये फ्लैग कोर्ट को बहुत रिस्ट्रिक्टिव तरीके से अप्लाई सरकारें करती थी कि केवल ये सरकारी वो है। लेकिन देखिए, कोई भी कानून जो बनता है, जैसे आपने शुरुआत में रूल ऑफ लॉ की बात की, तो कोई भी कानून बनता है तो उसमें जो शब्द आता है लेटर एंड स्पिरिट, तो ये जो स्पिरिट है तिरंगा के पीछे, ये तिरंगे के पीछे जो स्पिरिट है, जो संवैधानिक भावना है, इस तिरंगे के पीछे बोलने की आजादी छुपी हुई है, इस तिरंगे के पीछे शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने की का हक छुपा हुआ है, इस तिरंगे के पीछे सरकार के संविधान को ताक में रख के, संसदीय मर्यादा को ताक में रखकर कानून अगर पास किए गए तो उसका विरोध करने का अधिकार भी इसी तिरंगे की भावना के पीछे छिपा हुआ है। नेचुरली ये इसको समझाने की जरूरत है इन लोगों को जो तिरंगे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, और तमाम सारे अपराधियों को बचाने के लिए जब निकलते हैं सड़क पे तो तिरंगा लेकर निकलते हैं। ये आपने जो जिक्र किया वो नवीन निश्चल का, नवीन जिंदल का केस था। जी जी, नवीन जिंदल सालों तक लड़े जी जी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में ये डिसीजन दिया कि किसी भी प्राइवेट सिटीजन को भी अपने घर में या अपने दफ्तर में तिरंगा रखने का हक है। बिल्कुल, आपने सही बताया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान, उसके प्रीएम्बल में ये सब लिखा है। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा। तो ये जो हमारा प्रीएम्बल है ना, वो तो इट इज ए की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या बोलता है, ये आपने जो बताया वही बात इसमें छिपी हुई है, लिखी हुई है, इम्प्लिसिट है। और स्पिरिट ऑफ लॉ की बात जो है ना, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे, आप जो बता रहे हैं ना कि ये बात समझाने की जरूरत है, तो मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन, और आप भी मेरे साथ शायद एग्री होंगे, कि अभी अभी जो बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच का एक डिसीजन आया है, और ऐसा ही एक डिसीजन आया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से भी आया है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसा कहा कि कुछ रेप केस था, तो जो उसने ऐसा रूलिंग दिया है कि जो बलात्कारी है वो विक्टिम के घर जाए राखी के दिन और उसके पास राखी बंधवाए। जी जी, क्या मैंने पढ़ा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। देखिए, ये हाईकोर्ट जज ऐसा डिसीजन कैसे दे सकते हैं? मेरे ख्याल से ये हमारी जनता की बात नहीं है, लेकिन जो हायर जुडिशियल ऑफिशियल्स है वो भी नहीं समझ सकते कि रूल ऑफ क्या है, पब्लिक का सेंटिमेंट्स क्या है, लेटर क्या है, स्पिरिट क्या है। बिल्कुल, तो ये स्पिरिट ये लोग भी नहीं समझते। वैसे मैं जानता हूं कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी है, तो ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन आया, तो देयर वाज मच अप्रोर ऑन अवर साइड। बहुत ही पुरुषवादी मानसिकता से किया गया फैसला था वो। हाँ, पेट्रियटिकल, बिल्कुल पुरुषवादी मेंटालिटी। लेकिन क्या होता है कि जो पोस्को एक्ट है उसका जो स्पिरिट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है, मैं आपको बताऊं कि विशाखा का जब जजमेंट आया 1997 में, जी, तो उसी तक तो हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में से कुछ प्रावधान लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो सालों तक चला, जहां तक हमारे संसद ने ये कानून नहीं बनाया 2012 में, तहां तक ये इट रिमेन्ड एज लॉ। तो ये स्पिरिट समझना चाहिए, हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, हमारे जो कानून का एग्जीक्यूशन करने वाले भी लोग भी नहीं समझते, तो ये होना चाहिए। हमने हमारा एक फोरम फॉर फास्ट जस्टिस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब ये लोग ये कंपेन करते हैं कि लोग को ये समझना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, हमें अवेयरनेस होना चाहिए, और उन लोगों को भी समझाना चाहिए। हम एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, इसके बारे में तो भेजिएगा वो मेमोरेंडम, बिल्कुल हम लोग उसको जगह देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे।
और प्रोफेसर त्रिपाठी बिल्कुल लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क आप दीजिए कि ये जो तिरंगे को लेकर जो राजनीति है और जो जैसे प्रोफेसर अश्विन ने बताया कि उसकी जो भावना है वो केवल एक कपड़ा नहीं है या कोई एक कोई भगवान का रूप नहीं है जैसे आपने शुरू में कहा, उसके पीछे हमारी जो संविधान की जो मूल भावना है उसका प्रतीक है, वो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का प्रतीक है जिसमें सब शामिल है। तो ये जो राजनीति हो रही है इसके खिलाफ एक कैंपेन कोई प्रचार भी होना चाहिए, इसके लिए एक जागरूकता अभियान भी होना चाहिए कि ये तिरंगा जो लोग लेकर चल रहे हैं अपराधियों के को बचाने में, इनको भी पहचाने लोग और तिरंगे का अपमान होने से बचाएं। ऐसे अपराधियों को लेकर अगर कोई जुलूस में तिरंगा लेकर जा रहा है तो उनसे तिरंगा छीन ले, मैं तो कहूंगा। जी जी जी, इस वक्त क्या है कि हिंदुस्तान का जो असली तिरंगा है वो है किसान, वो सड़कों में बैठा है ठंड में, ठुठुर ठुठुर के करीब 200 लोग मर चुके हैं और बिल्कुल इतनी दुर्भावना के शिकार है, शहरी लोगों के हमले उन पे हो रहे हैं जुबानी तौर पे। तो मैं कहता हूं कि भाई असली तिरंगा तो सड़कों पे बैठा है, आप उसको समझो। अगर आपने उसके बारे में उसके दुख तकलीफ को समझा, उसकी असलियत को समझा, तो आपके अंदर का घमंड मिटेगा और आपके अंदर सच्ची देशभक्ति की भावना पैदा होगी। असली देश तो वो है बिल्कुल, और इन्हीं लोगों में ताकत है कि ये लोग हमारे मध्यम वर्ग का या हुकूमत का जो घमंड है या जो उनके अंदर अपना बड़प्पन जताने की दुर्भावना है उस पर काबू पाएंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि किसान हमारे हिंदुस्तान का जब तपस्या कर रहा है हिंदुस्तान की आत्मा को जगाने की, और उम्मीद में करता हूँ कि जब हिंदुस्तान की आत्मा जागेगी तो तिरंगा और भगवान का तसव्वुर भी हमारे सामने साफ होगा। अभी हम भगवान के नाम पर अपने अंदर के अहंकार को ही मैनिफेस्ट देते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसान आंदोलन हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। बिल्कुल, और साथियों तिरंगे का अपमान तो उनके हाथों होता है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तिरंगे का अपमान तब होता है जब बेकसूर लोग जेल में डाले जाते हैं, तिरंगे का अपमान तो तब भी होता है जब बेकसूर लोगों को जमानत नहीं मिलती अदालतों से, कोई साक्ष्य होने ना होने के बावजूद भी जमानत नहीं मिलती है, तब तिरंगे का अपमान होता है। तिरंगा कोई उनका केस हियरिंग में भी नहीं आता है। बिल्कुल, तो अगर अगर अदालतें हैबियस कॉर्पस जैसे मसलों को अर्जेंटली नहीं सुन रही हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तब तिरंगे का अपमान होता है। ये हमारे देश के लोगों को सोचना होगा कि तिरंगा कोई एक प्रतीक केवल नहीं है, उसके पीछे की जो पूरी भावना है वो भारत के लोक संवैधानिक लोकतंत्र को की भावना है, जिसमें मूल अधिकार है, जिसमें आजादी है, जिसमें बोलने की आजादी है और अपनी अपनी भावना को व्यक्त करने की आजादी है। और अन्याय करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, चाहे वो सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हो, चाहे वो टीवी चैनलों की स्क्रीन पर नफरत फैला रहे हो, ये लोग हैं जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा समय खत्म हो रहा, अगले सप्ताह फिर हम किसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। और प्रोफेसर अश्विन और प्रोफेसर त्रिपाठी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत।